भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र में पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे द्वारा जिले के 3 तहसीलों में 6598 किसानों को स्वामित्व योजना के कार्ड वितरण कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मार्च तक जिले के 50,000 किसानों को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज देश के 6 राज्यों के 763 गांव में प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल मोड में किया गया। उत्तराखंड के जिले उधम सिंह नगर को भी इस योजना में शामिल किया गया। स्वामित्व योजना के पायलट फेज के तहत आज जिले के 40 गांव के 6598 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के शुभारंभ के बाद प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे द्वारा प्रॉपर्टी कार्ड वितरण कर किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के कई किसानों से वार्ता भी की गई। इस दौरान पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि भारत सरकार की योजना से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के लाखों किसानों को स्वामित्व योजना का लाभ मिलेगा। अब किसानों को बैंक से आसानी से ऋण, नगर जिले के 50,000 लोगों को भूमिधरी का अधिकार इस योजना के तहत मिलने जा रहा है। किसान जमीन के एवज में बैंक से ऋण, जमीन की खरीद फरोख्त करो भी अब आसानी से कर सकता है। उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। जिले की 3 तहसील रुद्रपुर, गदरपुर और किच्छा के 6598 किसानों को आज प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किया जा रहा। आने वाले समय में जिले के 50,000 किसान इस योजना का लाभान्वित होंगे। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्वामित्व योजना के लिए पूरे देश में से 6 प्रदेश को चुना और इसे 6 में से 1 उत्तराखंड प्रदेश को उन्होंने चिन्हित किया और इसका लाभ पहुंचाया। मैं उत्तराखंड प्रदेश की तरफ से, अपने मुख्यमंत्री जी की तरफ से, मैं मोदी जी का कोटि कोटि उनका अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आप समझ सकते हैं कि जिस गरीब आदमी के पास छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा हो और वो अभी उसके नाम ना हो तो ना वो लोन ले सकता है, ना मकान बना सकता है। इन सब चीज़ों का अधिकार स्वामित्व योजना के तहत दिया है, जिससे व्यक्ति के नाम में भूमिधरी का अधिकार उसको प्राप्त होगा, वह बैंक से लोन ले सकता है, वह जमीन किसी की भी स्वामित्व योजना के तहत वह खरीद सकता है, बेच सकता है। यह अधिकार जो गरीब आदमी को प्राप्त हुआ है, निश्चित ही अपने आप में गरीब का सम्मान बढ़ाने वाला काम मोदी जी ने किया। मैं उत्तराखंड की तरफ से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो लाभार्थी लोग हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना दूंगा कि कई वर्षों से देना तो क्या किसी ने सोचा भी नहीं था, उस काम को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना के तहत लागू करके गरीबों का सम्मान बढ़ाया है। मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। इस योजना के तहत देखिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड वितरण का डिजिटल रूप से शुभारम्भ किया गया है, जिसमें उधम सिंह नगर के एक्चुअली पूरे जनपद में ये योजना चल रही है, जिसको प्रथम चरण में 40 गांव में चल रही है, जिसमें 3 तहसीलों को सम्मिलित किया गया है, रुद्रपुर, किच्छा और गदर बाजपुर, और उसमें सभी में आज के दिन 40 गांव में किसानों को ये कार्ड वितरण किया जा रहा है। और उसमें आज के दिन जो लाभान्वित होने वाले किसान हैं वो 6598 हैं, जिनको आज के दिन स्वामित्व योजना का प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किया जा रहा है। और पूरा जो अगर हम देखें जनपद में कितने किसान जो लाभान्वित होंगे, लगभग 50,000 के लगभग किसान हैं, और उन सभी को चरण वाइज उसका लाभ दिया जाएगा। तो ये इस योजना का उद्देश्य है और इससे जो किसानों को लाभ होगा वो आपने अभी देखा कि उसमें वो कर्ज भी ले सकते हैं और उनको अपने प्रॉपर्टी पे उनका अधिकार मिल जाएगा। तो मेरा सभी जो हमारे कर्मचारी अधिकारी इस योजना में लगे थे उनको मैं बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने टाइमली इस कार्य को पूरा किया, और जो भी किसान, जो भी हमारे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं उनको भी बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। थैंक यू। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारे 6 राज्य 763 गाँव में आज हमें भूमि स्वामित्व का, मेरी भूमि मेरा हक के तहत
हमें सरकारी प्रारूप दिया गया। मैं कोटि कोटि हर ग्रामीण की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसका हमें ये हक मिला है। आगे से हमारा सरकारी प्रारूप में बैंक लोन लेना, बिजली कनेक्शन लेना, 143 के तहत ये मतलब हमें प्रारूप मिला है, और हर जगह हम इसको माध्यम लेके हम अपना आत्मनिर्भर योजना के तहत हम अपने रोज़गार चला सकते हैं। गांव में से जो पलायन हो रहा था वो पलायन रुकेगा। और कुछ?